बीमारी बना है और बीमारी कैसे बनता है देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बीमारी का मतलब है ना, ये नोट पे देखना आप मेरी बात पर, देखो ध्यान दीजिएगा। बीमारी देखो आदमी को बोल कर नहीं लगता भाई जान, आदमी के शरीर में ना 300 पे समी हीरो थोड़ी जो वीडियो बना रहा है यार, हीरो टके का नोट है। और ये मेरे पास में होता है किंचर, मेडिकल होता ना भाई जान, वहाँ पर मिलता है। आप लोग पान खाता है ना, पान का नकल यहाँ देखो, आप पान खाओ देखो सादा सादा नुकसान नहीं करता है। गुटखा खाएंगे ना, गुटखा नुकसान करता है। पान वाला आपकी आंखों के सामने पान बनाता है देखो भाई जान, और गुटखे वाला ना आपकी आंखों के सामने गुटखा नहीं बनाता है। पान वाला ना पान में डालेगा पहला नंबर देखो इसमें चूना, और दूसरा नंबर देखो खट्टा। और कई आदमी खाता है रजनीगंधा, अगर मुंह में डाला तो मुंह गंदा, रोड पर थूक देता है भाई जान तो रोड गंदा, और बाद में बन जाएगा देखो फांसी का फंदा, उसी का नाम होता है रजनीगंधा। कई आदमी खाता है मालिक चंद, अमीर चंद, गरीब चंद, भिखारी चंद, मैं जाता हूँ देखो बिहार, बिहार में ज्यादा चलता है, काली पत्ती पीली पत्ती, ज्यादा गुटखा खाएगा ना आदमी बन जाएगा मोमबत्ती, मरने के बाद में घर वाली लगाएगा दो अगरबत्ती, उसी का नाम है काला पत्ती पीला पत्ती। ये पान हो गया बनकर तैयार, नोट को लेकर जाएगा बोलो भाईजान बाजार में चल जाएगा, ऐसा नोट नहीं चलेगा ना, इसको आदमी जेब में लेकर नहीं घूमेगा, एक दिन ऐसा रोड पर फेंक देगा, कल मेहनत मजदूरी करेगा दूसरा टाका कमा लेगा। पर गुटखा खाने से ना ऐसा थोबड़े का नंबर अगर चले गया ना भाई तो दोबारा नहीं मिलेगा। आप बोलेगा भाई आपने बात अच्छी समझाई, पर नोट को गंदा बेकार खराब क्यों कर दिया है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए करा है। आप लोग क्या गलती करते हो, गुटखा तम्बाकू सादा पान मसाला ज्यादा खा लेते हो, ज्यादा खाने से ना ऐसा दांतों पर गंदगी जमा हो जाता है, साफ नहीं करेंगे ना तो बीमारी बनता है। आप लोग बोलता भाई हम लोग गुटखा खाते हैं ना, मुँह को सुबह पानी से जल से वाटर से धो लेता है, नोट को देखो मैं पानी से धो देता हूँ, देखो इसको सुबह से बैठना और शाम तक का नोट को ऐसा लेकर लगाना, जो आदमी नोट का दाग निकाल के बता देगा ना उस आदमी को 100 रुपए का इनाम दूंगा। आप बोलेगा हमारे गांव में ना ये कोलगेट चलता है, हम सुबह उठते हैं ना तो दांत पे लगाते हैं देखो कोलगेट। अरे देखिएगा भाईजान मैं आपकी आंखों के सामने ना ये कोलगेट लगाकर बता देता हूँ, मैं कोलगेट की बुराई नहीं करता हूँ भाई, इसको काफी आदमी देखो लगाता है, पर कोलगेट है ना ये अच्छे दांतों के लिए होता है। जिस आदमी का दांत अच्छा होता है उसी आदमी के दांत को कोलगेट साफ करता है। पान गुटखा तम्बाकू खाते हो ना ऐसा दांत आपका गंदा हो जाता है भाई, साफ नहीं करेंगे ना बीमारी बन जाता है। ऐसे दांत गंदे हो गए ना इसकी सफाई के लिए हमारे राजस्थान की कंपनी ने एक दवा एक मेडिसिन तैयार किया है जिसका बेचने का लाइसेंस होता है मेरे पास। आप बोलेगा कौन सा दवा, देखो समझ में आई तो लेना, इसमें से भाईजान एक पैकेट निकाल कर देना, एक तो भार करो क्योंकि मैं निकालूंगा ना माल मेरा है, लोग बोलेगा एकटा असली बाकी का सब डुप्लीकेट नकली, इसलिए मैंने भाईजान से लिया है। इसको खोलो आप, ऐसा निकलेगा वाइट कलर का देखिएगा पाउडर, ये दवा यहाँ का नहीं ये दवा राजस्थान का है। दवा लगाने का तरीका पहले यहाँ सुनिएगा, पहला काम क्या करेगा, आप लोग सुबह फजर में उठते हो ना बरस दतवन करते हो मिसवाक लकड़ी करते हो भाईजान, कई आदमी के दांत से खून आता है, मुंह से बदबू आता है, बांस आता है, या दांत आपका ढीला हो गया ना इस पाउडर में घास तेल आता है कड़ू तेल, इसमें दो चार बूंद मिला लेना, एक सप्ताह मेरे मंजन को हाथ के साथ में लगा देना तो खून आता है दांत से बंद कर देगा, पेरिया खत्म बदबू खत्म, दांत जो ढीला हो गया ना मजबूत हो जाएगा। एक काम, दूसरा काम आपके दांत में दर्द होता है, दांत में ठंडा गर्म पानी, बच्चे मीठा वगैरह ज्यादा खा लेते हैं, बच्चों के दांत में पोका कीड़ा लग जाता है, अगर अभी दांत में पोका कीड़ा तो यहाँ पर आ जाना, इतना पाउडर लेना, जहाँ दांत में कीड़ा माँ लेकर रख देना, दो मिनट के बाद में पानी से कुल्ला कर दो तो पोका कीड़ा बाहर हो जाएगा। दो काम, तीसरा काम देखिएगा भाई, गुटखा तम्बाकू ज्यादा खाते ना कई आदमी के जीभ में छाले हो जाते हैं, इसमें मिलाना नारियल तेल, नारियल तेल मिलाकर लगाओ, आपका छाला जख्म देखो ठीक करेगा, और दांत है ना दादा आपका हो गया देखो ऐसा गंदा, ऐसा दांतों पर देखो केमिकल जमा है, मेरे मंजन को ऐसा लेकर लगा देना, कितना भी दांत गंदा है पान गुटखा खाने से दांत में पोका कीड़ा देखो यहाँ देखना, देखो लगा ना पोका, यहाँ बैठ देखो दोस्त मैं आपको यहाँ लिखा के बता देता हूँ, बैठिया नीचे नीचे बैठिया, ऐसा दांत में पोका कीड़ा है ना पाउडर को ऐसा लेना, ऐसा दांत में लेकर ऐसा रखो, मुंह बंद कर लेना भाई दो मिनट,
दो मिनट मुंह को बंद करो, देखो यहाँ देखो आप दांत में कीड़ा है पोका है, देखो ऐसा देखो दांत में लेकर रख देना, तुम्हारा दांत गंदा है ना, हाथ से लगाएगा सामने सामने का दागी जाएगा, जो लाइन होता भीतर हाथ नहीं जाता चाचा, ऐसा लेना देखो मिसवाक लकड़ी दतवन दतवन नहीं है ना, ऐसा बरस लीजिएगा मेरे मंजन को ऐसा लेकर लगा देना, कितना भी दांत गंदा है आपका, पान का है गुटके का है सादे का है पान मसाले का भाईजान, ऐसे गंदे दांत पर ना मेरे मंजन को ऐसा लेकर लगाओ, एक बार लगाएगा ना पान का गुटके का सादे का पान मसाले का गंदा गंदा दागी एक बार में देखो ऐसा निकल जाएगा भाईजान, दो बार लगाएगा ना पान का गुटके का सादे का पान मसाले का ऐसा दागी निकल जाएगा, मेरा कहने का मतलब एक सप्ताह लगा देना, खून आता है तो ब्रश मत करना, ब्रश करोगे ज्यादा खून आएगा, मेरे मंजन को चाचा ऐसा लेकर लगाओ, एक पैकेट चाचा अगर राजस्थान से मंगाएगा ना तो आपको 35% का मिलेगा, यहाँ 35% नहीं दादा, एक पैकेट का दाम है 20%, दो पैकेट लेगा तो 40%, तीन पैकेट लेगा ना घर परिवार फैमिली के लिए 60% का बनता है, तीन लेने वाले को ये 50% का तीन होता है, घर में रखो बाड़ी में 2 साल ये खराब नहीं होता है, ऐसे गंदे काले दांत पर ना मेरे मंजन को भाई साहब इस तरह से लेकर लगा देना, दांत गंदा काला ऐसा साफ हो जाएगा, अच्छे पोका लगा है ना यहाँ देखो आप जमीन पे माटी पे मत थूकना, ऐसा पेपर ले लेना तुम्हारे दांत में पोका कीड़ा है भाईजान, ऐसा पेपर के ऊपर में थूक देना, यहाँ देखो आप कीड़ा होने से निकल जाएगा, थोड़ा पीछे से रख दो नीचे बैठ नीचे बैठिया, एक मिनट रुक जाना, तुम्हारे दांत में ऐसा पोका है तुम्हारे दांत में ऐसा कीड़ा लगा है यहाँ देखना, हाँ करो ऐसा रोली ऐसा तुम्हारे दांत में पोका कीड़ा इसमें से धीरे से भैया, हाँ करो भैया थोड़ा ऊपर करो ऊपर कर थोड़ा ऐसा रोली का इसमें छोड़ दो, यहाँ देखो आप दांत में पोका होगा कीड़ा होगा तो अभी बाहर, दांत में दर्द होता भाईजान दर्द हो जाएगा देखो खत्म, मुंह से बदबू आता है बांस आता है दुर्गन आता है, यहाँ देखो आप किसी के पास में माचिस हो तो मुझे दे देना, माचिस है मेस किसी के पास में मेस है तो मेरे को दे दो, देखो यहाँ देखो भाई ऐसा दांत में पोका होने से कीड़ा होने से देखो, अगर होगा दांत में कीड़ा पोका तो भार दांत में दर्द होता देखो भाईजान, मैंने कहा ना ऐसा दांत में पोका है कीड़ा देखो यहाँ देखना आप, होगा तो ऐसा निकल जाएगा, पोका हो तो पोका बोलना और कीड़ा हो तो कीड़ा बोलना, देखो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा तुम्हारे दांत में पोका कीड़ा लगा देखो दादा, पोका हो तो पोका बोलना कीड़ा हो तो कीड़ा बोलना, ऐसा दांत में पोका लग जाता है कीड़ा लग जाता है, देखो पोका हो तो पोका बोलो चाचा, देखो भाई जान कीड़ा हो तो कीड़ा बोलना, ऐसा तुम्हारे दांत में पोका कीड़ा लगा है ना इस तरह से भार हो जाएगा, देखो यहाँ ऐसा दांत में से पोका कीड़ा ऐसा भार कीड़ा है ना ऐसा निकालेगा दांत के अंदर में से, आप बोलेगा कीमत कितना राजस्थान से मंगाएगा ये आपको 35% का आता है, यहाँ लेगा 20% का एक तो 20%, एक लेने से 20%, दो लेगा तो 40% का आता है, तीन पैकेट लेने से 60% बनता है पर तीन लेने वाले को 50% का तीन होता है, एकटा लेने से 20% लगता है, अब कौन आदमी लेना चाहता है, देखो एक पैकेट दर में लेते हैं और कौन आदमी लेना चाहता है।